नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ के बैलीगेट थाना में तैनात एक कांस्टेबल की सजगता और बहादुरी के चलते जहां आशराफा बाजार में होने वाली ठगी की वारदात टल गई, वहीं पुलिस और व्यापारियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी के लिए पहुंचे दो आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा। शराफा बाजार में कारोबारियों के साथ लगातार हो रही ठगी की वारदातों से गुस्साए व्यापारियों ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये मेरठ में पिछले कुछ समय से कुछ गैंग सक्रिय थे, जिसमें पहले भी कुछ लोगों को जेल भेजा गया था जिन्होंने कई सारी घटनाएं की थी। उसी के क्रम में एक गैंग जिसने जीआरपी और जगहों पर घटना की थी, इसकी सूचना पर सराफा व्यापारियों में अलग से पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और पिकट लगाया गया था। आज दो लोग बाइक से खाकी पैंट और जैकेट में पहुंचे और उसको देखकर वहां पिकट पर तैनात कांस्टेबल आंसू दिवाकर है, जिसको कुछ डाउट हुआ और इसने आगे पिकट वालों को फोन किया। जब इन्हें लगा कि आगे ये फोन कर रहा हम पकड़े जा सकते हैं, तो बाइक से ये तेजी से आंसू दिवाकर कांस्टेबल की तरफ बढ़े। उसने इंसास की बट लगाया, इनको बट लगाकर जिससे बाइक से ये गिरे और भागकर मंदिर में गए, जहां पर अन्य व्यापारी लोग और पुलिस की मदद से इन दोनों लोगों को पकड़ा गया है। अभी इनके द्वारा पूछताछ में बताया जा रहा है कि हम लोग फरुखाबाद के हैं, चश्मे और नक का कारोबार करते हैं। फरुखाबाद पुलिस को सूचना दे दी गई है, उनका डिटेल मंगाया जा रहा है, बाकी पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कांस्टेबल आंसू दिवाकर को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया गया है और डीजीपी सर के यहाँ से कमेंडेशन डिस्क के लिए रिकमेंडेशन भेजा जा रहा है। सर, इस ठगी पर तक कितने लोग पकड़े जा चुके हैं? जैसे कि आपने पहले ही बताया कि दरोगा बनके ठगी कर रहे हैं। चार लोग पहले जेल जा चुके हैं और ये दो हैं, इन पे पूछताछ करके इन पे कार्रवाई जो सत्य होगा उस आधार पर की जाएगी।